उमरिया पुलिस एवं स्वाट टीम को मिली बड़ी सफलता। दो अंतर जनपदीय तस्कर किए गिरफ्तार, एक हुआ फरार। बरामद हुए माल में एक कुंटल 5 किलो गांजा, चंदन की लकड़ी बरामद की गई है। तस्कर आंध्र प्रदेश के उड़ीसा छत्तीसगढ़ से चंदन की लकड़ी लाकर करते थे तस्करी और आसपास के जिलों में माल सप्लाई किया करते थे। इटावा, औरैया, कन्नौज सहित अन्य जनपदों में करोड़ों रुपए का माल कर चुके हैं सप्लाई। तस्करों के पास से बरामद किए गए माल की कीमत अंतरराष्ट्रीय बाजार में 45 लाख रुपए बताई जा रही है। तस्कर कई वर्षों से कोरियर के माध्यम से ट्रकों एवं ट्रेनों से काम किया करते थे। विगत कई दिनों से जनपद औरैया में ये सूचना प्राप्त हो रही थी कि जनपद औरैया के अगल बगल के जनपदों में रहने वाले कुछ लोगों द्वारा गांजा, मादक पदार्थ साथ में चंदन की तस्करी की जा रही है। इस सूचना पर हमारी स्वॉट टीम द्वारा गोपनीय रूप से कार्रवाई की गई, इसको और डेवलप किया गया और सूचना के आधार पर हमारी स्वॉट टीम द्वारा थाना बिला द्वारा दो लोगों को अरेस्ट किया गया है, जिसमें एक मोहम्मद बिलाल, ये जनपद कन्नौज के रहने वाले हैं, और दूसरे मनीष कुमार पांडे, ये कानपुर नगर के रहने वाले हैं, और एक वांछित है इसमें जो मोहम्मद आदिल हैं। ये तीनों लोग मिलकर के एक बहुत ही वृद्ध तरीके से सिंडिकेट के तरीके से यहाँ पर गांजे और चंदन की लकड़ियों की तस्करी किया करते थे। इन्होंने अपनी पूछताछ में बताया है कि दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और हमारे छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों से ये चंदन की लकड़ियाँ और गांजे को लेकर के कुरियर कंपनी के माध्यम से इसको बुक कराते थे और कुरियर में ये गांजा और ये चंदन की लकड़ी ट्रेन के माध्यम से अन्यथा ट्रकों के माध्यम से कानपुर वगैरह जैसी बड़े शहरों में आता था, जहाँ पर ये अपनी गाड़ी को ले जा करके इसको अपनी गाड़ी में रख करके गोपनीय तरीके से इसको ट्रांसपोर्ट करके कन्नौज, औरैया, इटावा ऐसे जनपदों में इसको सप्लाई करते थे। इन्होंने अपनी पूछताछ में बताया है कि ये काम लगातार ये पिछले 3 वर्षों से कर रहे हैं और अब तक कई करोड़ों का माल इन्होंने इधर से उधर तस्करी के तहत इसको सप्लाई कर दिया है। इस जो पूरा रैकेट है इसमें कई कुरियर कंपनीज की भी मिलीभगत सामने आई, जैसे स्काई किंग, ब्लू डार्ट और डेलीवेरी जैसी कुछ कंपनियां हैं जिसका नाम इसमें सामने आया, और उसके कुछ लोग जो इसमें मिले होते हैं इनके साथ सांठगांठ करके इनसे डील कर लेते हैं और उनको भली भांति पता रहता है कि इसमें अवैध मादक पदार्थ की तस्करी की जा रही है। उन सभी के ऊपर हम लोग शिकंजा कस रहे हैं और सभी कंपनी के जो ये लोग हैं, एम्प्लॉयज़ हैं जो इसमें इन लोग इन्वॉल्व हैं, उनके ऊपर भी कार्रवाई कर रहे हैं। साथ में जनपद कन्नौज के कुछ लोगों का नाम इसमें सामने आया है जो ये चंदन की लकड़ियाँ तस्करी के थ्रू आती थी, इससे ये लोग अपने इत्र फैक्ट्री में इस लकड़ियों को खरीदते थे इनके द्वारा और उसका उपयोग करते थे। और जनपद कन्नौज के कुछ और लोगों के नाम भी सामने आए हैं जो इसमें गांजे की तस्करी में इनके साथ इन्वॉल्व थे। इन सभी लोगों को हम लोग चिन्हित कर रहे हैं और इन सबके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। तो इसके तहत जो हमने ये गिरफ्तारी करी थी, ये एक इसमें एक गाड़ी बरामद हुई है, साथ में लगभग 1 क्विंटल 5 किलोग्राम के आसपास का गांजा बरामद किया गया है और चंदन की लकड़ियां बरामद की गई हैं। इस सब की अगर कुल कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में देखें तो लगभग 45 लाख रुपए के आसपास ये बैठती है। इस सभी कार्रवाई को पूर्ण करने वाली जो हमारी टीम है, स्वॉट टीम है, उसको DGP सर द्वारा और ACS होम सर द्वारा रिवॉर्ड भी घोषित किया गया है और दोनों अधिकारियों द्वारा हमारे टीम का उत्साहवर्धन करने हेतु 50,000 का पुरस्कार भी घोषित किया है। साथ में प्रशस्ति पत्र के लिए भी DGP सर ने सबको संस्तुति प्रदान करी। तो एक बहुत अच्छे तरीके से गोपनीय सूचना को डेवलप करके उसके ऊपर कार्रवाई करी है स्वॉट टीम को। मैं जनपद औरैया की स्वॉट टीम और थाना बेला की टीम को इसके लिए बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और मैं ये सुनिश्चित करूँगा कि जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, चाहे वो केरला के हैं, आंध्र प्रदेश के हैं और छत्तीसगढ़ के हैं, जो इस पूरे गांजे की तस्करी की रैकेट में इन्वॉल्व हैं, उन सबके ऊपर भी हमारे जनपद के स्तर से इसमें कार्रवाई होगी और उन सबको भी गिरफ्तार किया जाएगा।